वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरोट। टुडेज टॉपिक यू वर्सेस देम। ठीक है, देखेंगे इस यू वर्सेस देम में आप लोग के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। ठीक है, तो कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, डायनेमिक रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें। फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है डार्क नाइट लव टैरोट शॉर्ट्स के नाम से, उसका लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में। लक्ष्य देखते हैं आपके पर्सन और आप राइट नाउ सेम पेजेस में हैं या नहीं। ठीक है, यू वर्सेस देम, आप दोनों के बीच इस रिश्ते को लेकर एक डीप इनर डीप आप लोग क्या सोच रहे हैं, डीप डाउन आपके अंदर इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है और आपके पार्टनर में क्या चल रहा है। ठीक है, ओशो जी से चेक करेंगे सबसे पहले। अच्छी, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी, तो ये पर्सनल रीडिंग नहीं होती, तो इस बात को माइंड में रखा करें। मैं हमेशा इस बात को आप लोगों को याद दिलाती हूँ कि आप लोग, मैं पर्सनल रीडिंग तो लेती भी नहीं हूँ। अगर आप लोगों को कहीं से भी पर्सनल रीडिंग देनी है तो आप ले सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे अच्छे टैरो कार्ड रीडर हैं जो आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जो आपको बता सकते हैं। ठीक है, तो जो पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करता है आप उसे पर्सनल रीडिंग ले। अगर आप कहीं बहुत ज़्यादा स्टक हैं या मेंटली स्टक हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, पे करना पड़ेगा, पे करें और पर्सनल रीडिंग्स लें। ये आप लोगों के लिए एक बाय लक आपके साथ स्टोरी लाइन रेजोनेट या कनेक्ट कर सकती है, तो यहाँ पर आपको वो रीडिंग्स मिलेंगी। ठीक है, तो कलेक्टिव रहेंगी और जितना पार्ट रेजोनेट करें उतना रखा करें, ज़रूरी नहीं है सारा करें, ज़रूरी नहीं है सारी नहीं करें। ठीक है, तो कर भी सकती है और नहीं भी। ओके, सबसे पहले देखते हैं उस दिन से आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर। थिंक अबाउट योर पार्टनर एंड योर सिचुएशन, आपके पार्टनर के माइंड में इस वक्त राइट नाउ क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर। मेरे व्यूअर के पर्सन के दिमाग में इस रिश्ते को लेकर इस वक्त क्या है, मेन एनर्जी क्या चल रही है, एक स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी है जो आपके पर्सन में इस रिश्ते को लेकर चल रही है। स्लो डाउन, ये पर्सन बहुत स्लो डाउन चीजों को लेकर चल रहा है, या तो बहुत स्लो डाउन है, बहुत स्लोली चीजों को करना चाहता है, इसको कोई जल्दी नहीं है। मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, अगर आप जल्दी पे हैं या तो आप बहुत ज्यादा मतलब के इससे फ्रिक्वेंटली, या तो आप इससे कोई मैसेजेस या आंसर चाहते हैं, आप काफी डेस्परेट हो रहे हैं, तो आप इस चीज को समझें, ये पर्सन किसी भी जल्दी में नहीं है, ये स्लोली बट श्योरली वन स्टेप एट ए टाइम वाली एनर्जी, बहुत स्लो डाउन हुआ है, बहुत लेजी पर्सन, बहुत स्लोली मूव करना या इस रिश्ते को बहुत स्लोली अप्रोच करना। आपके पर्सन को किसी भी तरीके से जल्दबाजी नहीं है इस कनेक्शन को लेकर। ठीक है, अगर रिलेशनशिप स्टैग्नेंट है तो आपके पार्टनर के अंदर ये एनर्जी है कि आपके पर्सन बहुत स्लोली लेकर चलेंगे इस कनेक्शन को। ठीक है, आपके पर्सन बहुत एक अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन सोच समझ कर आपकी तरफ मूवमेंट करेंगे। और आपके माइंड में क्या है इस रिश्ते को लेकर, आप किस माइंड सेट में है इस कनेक्शन को लेकर। ठीक है, आपके पर्सन बहुत स्लोली मूव कर रहे हैं, जैसे कि टर्टल की तरह बहुत स्लोली। ठीक है, वन स्टेप एट ए टाइम। मेरे व्यूअर के माइंड में क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर राइट नाउ, आपके आप इस वक्त किस माइंड सेट में है इस कनेक्शन को लेकर। नथिंग, नो नथिंग, आप समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है, आप बस ब्लैंक हो चुके हैं इस कनेक्शन को लेकर। ठीक है, आपका स्ट्रेस बस्ट, ठीक है, आप एक मतलब कि आपका स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, सप्रेस कर करके अपने अंदर चीजों को रख रख कर और चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर एक स्ट्रेस को बस्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं बस स्ट्रेस से बाहर आए, अपने जो भी आप स्ट्रेस लेकर चल रहे थे इस रिश्ते को, उसको रिलीज कर दें। ठीक है, तो राइट नाउ आप लोग के रिलेशनशिप में इस वक्त ये एनर्जी है। ठीक है, क्या रखा है, स्लो डाउन, इतना स्लो डाउन ये पर्सन या इतना स्लोली मूव क्यों कर रहा है इस रिश्ते को लेकर। आपके अंदर एक नथिंग, ब्लैंक एनर्जी, आप नहीं जानते क्या करना चाहिए, क्या होगा, क्या फ्यूचर बनेगा नहीं बनेगा, आप बिल्कुल ब्लैंक हो चुके हैं। ठीक है, आप समझ नहीं पा रहे ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, क्या रखा है, स्लो डाउन। ये पर्सन बहुत स्लो डाउन है रिस्क टेकिंग करने के लिए, न्यू बिगनिंग करने के लिए, या एक कमिटमेंट, बैलेंस या जस्टिस देने के लिए अपनी लाइफ में ही बहुत ज्यादा सोच रहा है। इसके पास मतलब कि इसको बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं है एक जीरो पे आने के लिए, एक जीरो से स्टार्ट करने के लिए, अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए। आप बिल्कुल एक आप मैरिज करना चाह रहे हैं कमिटमेंट की तरफ, मतलब कि कुछ ना कुछ लीगल लीगल एक लीगल रिस्क टेकिंग करने के लिए पर्सन बहुत स्लोली मूव कर रहा है, बहुत स्लो डाउन होकर चल रहा है। इस पर्सन को कोई जल्दी नहीं है। ठीक है,
इस पर्सन को कोई जल्दबाजी नहीं है, यहाँ पे एक मैरिज और कमिटमेंट का माइंडसेट इस पर्सन का चल रहा है, लेकिन ये रिस्क टेकिंग के लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, जीरो से रिश्ते को स्टार्ट करने के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। अब आप उस पॉइंट पे आ चुके हैं, आपको ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं होने वाला, आप बेवकूफ हैं जो आप वेट कर रहे हैं। आपको आप इस चीज को क्योंकि मैनिफेस्ट करे जा रहे हैं बहुत लंबे अरसे तक के, लंबे अरसे से कि ये चीजें कब बदलेंगी आपके फेवर में, ये कनेक्शन कब वर्क करना स्टार्ट करेगा, आप बहुत टाइम से इस चीज का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है ऐसा शायद अब नहीं हो सकता, क्योंकि ये पर्सन बहुत टाइम से इसी स्टैग्नेंट एनर्जी पे है। रिस्क टेकिंग करने के बजाय ये पर्सन बहुत स्लोली मूव कर रहा है, वहां उस तरफ क्या चल रहा है, इस पर्सन के दिल दिमाग में क्या है, ये आपको सिर्फ या तो टैरो बता रहा है, आप कुछ जान भी नहीं पा रहे कि ये पर्सन यहाँ पर स्टेप ले भी रहा है या नहीं, या यहाँ पर कमिटमेंट और मैरिज की तरफ आना भी चाहता है या नहीं, आप नहीं जानते। क्या रखा है? नथिंग। आप बिल्कुल ब्लैंक है, आप नहीं जान पा रहे क्या चल रहा है, बिल्कुल। आप भी एक जीरो से कुछ चीजें स्टार्ट करना चाहते हैं, आप स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, इस पर्सन को पुराने चैप्टर को आप क्लोज कर चुके हैं, पुरानी चीजों को आपने खत्म कर दिया है, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्मेशन, आप पास्ट पास्ट चीजों से बाहर आ चुके हैं, आप पास्ट को डिपेंडेंसी से या पास्ट माइंडसेट से बाहर आ चुके हैं, ठीक है, मतलब कि एक ट्रांसफॉर्मेशन चला है पास्ट में आपका, आपने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आप समझ नहीं पा रहे कहाँ जाएं क्या करें। इस पर्सन की तरफ से आपको कुछ बहुत स्ट्रांग या मतलब स्ट्रांग एनर्जी या स्ट्रांग मतलब के मैसेज या टेक्स्ट स्ट्रांग एनर्जी देखने को नहीं मिल रही, आप स्टॉकिंग एनर्जी में है, आप साइलेंट हुए हैं, हर्मिट एनर्जी में, आइसोलेशन वाली एनर्जी है, आप कंटिन्यूसली सोच रहे हैं क्या हो सकता है, आप इस पर्सन को स्टॉक एंड सर्च कर रहे हैं, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ खास पता नहीं चल रहा, या आपको खुद कुछ खास इस पर्सन से मिल नहीं रहा, ठीक है, इस रिश्ते में क्या हो सकता है आपको नहीं पता, क्योंकि इस पर्सन का एक स्लो डाउन बिहेवियर बहुत ज्यादा है। आप भी रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन एक हर्मिट एनर्जी, आप जैसे कि इनर सोल सर्चिंग में हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा खुद को ही सोचे जा रहे हैं, बार बार वेट करते हैं आप इसकी तरफ से किसी अप्रोच का या किसी मैसेज का या किसी प्रपोजल का, ठीक है, स्टॉकिंग आप एक स्टॉक एंड सर्च कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है आप एक एक्सप्लोर भी कर रहे हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आपका बार बार माइंड ये बनता है कि एक्सप्लोर करें, नया पर्सन ढूंढें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, क्योंकि ये सिचुएशन आपको ब्लैंक एनर्जी के अलावा कुछ नहीं दे रही, मतलब ब्लैंक डार्कनेस है, आप इस डार्कनेस को कैरी नहीं करना चाहते, इस डार्कनेस से इस स्ट्रेस से निकलना चाहते हैं, इस वेटिंग एनर्जी से निकलना चाहते हैं, आप रिस्क टेकिंग करने के पॉइंट पर हैं, ठीक है, मतलब कि आप चाहते हैं आप फ्री, आपको आप एक फ्रीडम के साथ इस रिश्ते को छोड़ दें, कुछ इससे बेहतर मिल नहीं रहा आपको, ठीक है, कुछ आपको वर्थ इट पर्सन या कोई रिलायबल पर्सन मिल नहीं रहा जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करके रिस्क टेकिंग करें और इस अंधेरे से बाहर आ जाएं। कहीं ना कहीं आप फिर इस इंसान का इंतजार करने लग जाते हैं, वेट करने लग जाते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट स्टॉक करना या इसको देखना क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक है, क्या ये मैसेज करेगा, इसका मैसेज का वेट आपके माइंड सेट में है, ठीक है, आप इसके मैसेज को लेकर बड़े ज्यादा वरिड रहते हैं क्या अप्रोच आएगी या नहीं आएगी, ठीक है, ओके। आपके पार्टनर के सृष्टि को लेकर इंटेंशन क्या है, ये पर्सन अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग को लेकर, अपनी लाइफ को बैलेंस को लेकर, ये मैरिज नहीं, इसने मैरिज नहीं की भी, अनमैरिड है ये पर्सन, ठीक है, अगर आपके साथ मैरिज की भी जो थी वो तो या वो डिस्टेंस पे आ गई या सेपरेशन पे आ गई, दोबारा एक न्यू स्टार्ट करने के लिए पर्सन बहुत स्लो मूवमेंट, ठीक है, एक स्लो तरीके से चल रहा है, बहुत स्लो बिहेवियर, एक स्लो स्टेप ले रहा है ये पर्सन, ठीक है, इसको अपनी लाइफ को एक मैरिज और कमिटमेंट की तरफ लेकर जाना है, बैलेंस लाइफ बनानी है, स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाना है, लेकिन इसको कोई जल्दी नहीं है, ये डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेना चाहता है, इसको लगता है कि ये डिसीजन बहुत शायद इसने अपनी लाइफ में मैरिज स्लो की खराब होती हुई देखी है, शायद इसने अपनी जिंदगी में रिलेशनशिप खराब होते हुए देखे, या इसको मैरिज एक मतलब के मैरिज कमिटमेंट फोबिक हो सकता है, मैरिज रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको लगता है बहुत हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसको इंसान को बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए ये स्टेप, अगर खासतौर पर अगर ये मेल है या ये फीमेल है, doesn't matter, ठीक है, लेकिन ये जो भी फीमेल है या मेल है, इसके मैरिज अपने पेरेंट्स के साथ, इसके पेरेंट्स का रिश्ता अच्छा नहीं था, कोई पास्ट वुंड है, कोई पास्ट मेंटल इसके ऊपर, इसके दिमागी दिमाग पे कोई नेगेटिव असर रहा है, ठीक है, किसी मैरिज लाइफ का, या तो उसने किसी की मैरिज बिगड़ती हुई देखी है, या किसी ने एक मैरिज लाइफ में जाकर उस इंसान को परेशान देखा है, तो ये जो भी पर्सन है इसने लोगों को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब देखा है, इसको ऐसा लगता है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सोच समझ कर करना चाहिए ये काम, शायद इसकी एज भी ज्यादा हो सकती है, इसी वजह से इसी थोड़ा सा एक इसी चीज को लेकर इसने बहुत देर कर दी अपनी मैरिज में या तो अपनी मैरिज के लिए डिसीजन मेकिंग करते करते, ठीक है,
या तो ये निभा अपनी फैमिली की वजह से नहीं चाह पाया आपके साथ मैरिज या कमिटमेंट, ठीक है, अपने फैमिली मेंबर्स या अपने फैमिली इन्वॉल्वमेंट की वजह से, या आपके साथ कुछ एक बैलेंस रिश्ता नहीं बना पाया, ठीक है, तो ये वाली एनर्जी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन मैरिज को लेकर काफी इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, बहुत संगीन मरहला है मैरिज और कमिटमेंट, अपनी लाइफ में मैरिज की तरफ हामी भरना और किसी को कमिटमेंट देना, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये इंसान रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, ये अगर सोच समझ कर लेना चाह रहा है ये जिम्मेदारी, तो ये इसको पता है मैरिज आपकी लाइफ में किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर आती है, तो ये इंसान वाकिफ है इस चीज से, मतलब कि जानता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम किसी को भी अपनी लाइफ में लाकर डिस्टर्ब नहीं कर सकते, हमें उसका उसका साथ निभाना पड़ेगा, जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। इंटेंशन क्या है इस पर्सन का आपको लेकर राइट नाउ, ये पर्सन ट्रू इंटेंशन क्या है, आप यहाँ पर अपनी लाइफ में किसी न्यू स्टार्ट, किसी न्यू चैप्टर को बिगिन करने के लिए रेडी हैं, लेकिन उससे पहले काफी आइसोलेशन, साइलेंट एनर्जी चल रही है, आप में कॉन्टेम्पलेट चल रहा है, आप अपने आप से कनेक्टेड हैं, और इस पर्सन को भी स्टॉक एंड सर्च कर रहे हैं, न्यू लोग भी आपके रास्ते में आ रहे होंगे, लेकिन आपको रिलायबल पर्सन मिल नहीं पा रहा जिसके साथ कमिटमेंट और मैरिज कर सके, आपको जो लगता है वो चाहे स्लो डाउन है, चाहे आपकी तरफ लेट स्टेप ले रहा है, लेकिन आपका एक माइंड सेट कहता है, चाहे आपको यहाँ पर अंधेरा दिख रहा है, लेकिन आपका एक इंट्यूशन कहता है कि इसके साथ अगर जिंदगी बनेगी तो एक रिलायबल और एक सेंसिबल पर्सन है, जो होना था वो हो गया हमारे बीच, अब जो होगा वो अच्छा होगा, आपका थॉट प्रोसेस इस रिश्ते को लेकर ये बनता है, आप घूम फिर कर इसी रिश्ते के बारे में सोचने लग जाते हैं, कोई चाहे अरेंज मैरिज का रिश्ता है, चाहे आप अपनी लाइफ में कहीं और मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन घूम फिर कर आप इस रिश्ते पे स्टिक हो जाते हैं, आपको लगता है यही रिश्ता है, इसी रिश्ते से आपकी खुशियां जुड़ी हुई है, ठीक है, आपके पार्टनर का ट्रू इंटेंशन इस रिश्ते में क्या है, लेट्स सी, इस रिश्ते पे वर्क करना, ठीक है, इस रिश्ते पे काम करना, ठीक है, एक टीम वर्क करना, और स्टैग्नेंट एनर्जी से ये पर्सन इस रिश्ते को निकालना चाहता है, ठीक है, यहाँ पे स्टैग्नेंट एनर्जी पर्सन इस रिश्ते को एक स्टकनेस से निकालना चाहता है, टीम वर्क करना चाहता है, चाहता है कोलैबोरेट करें, आप भी वर्क करें, ये पर्सन भी वर्क करे, ये पर्सन जानता है कोई एक पर्सन, कोई एक इंसान इस रिश्ते पे काम कर नहीं सकता खाली, ठीक है, या तो ये खाली नहीं कर सकता, या तो आप खाली नहीं कर सकते, कभी भी रिश्ता बिना मतलब कि बिना पार्टनर के नहीं चलता, जब एक पार्टनरशिप होती है तो दोनों पार्टनर्स को काम करना पड़ता है उस पार्टनरशिप को निभाने के लिए, तो आपके पर्सन का ट्रू इंटेंशन ये है हार्ड वर्क करना, ये पर्सन काम कैरियर में भी लगा हुआ है, तो इस रिश्ते की तरफ इस पर्सन का ध्यान बहुत ज्यादा है, आपके साथ कुछ न्यू न्यू मैनिफेस्ट करना या कोलैबोरेट करना, आपके साथ अपने मतलब के इस रिश्ते को मिलकर बनाना या दोबारा मिलकर काम करना, एक रीबिल्ड करना इस कनेक्शन को, ठीक है, काम कैरियर में बहुत ज्यादा बिजी रहता है, ठीक है, कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी हो सकती है इसके अंदर, कोई या तो किसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर सकता है, ठीक है, किसी जैसे कि मट्टी और उन सब से जुड़ा ही कोई काम कर सकता है, लेकिन ये आपको लेकर अक्सर सोचता रहता है और आपके साथ इस रिश्ते को दोबारा रीबिल्ड करने के बारे में सोचता रहता है, ठीक है, ओके, यहाँ पर आपका इंटेंशन क्या है इस रिश्ते को लेकर, आप तो घूम फिर कर इस पर्सन को ही राइट पर्सन मानते हैं और इसी के बारे में सोचते हैं, आप सोचते हैं कि यही आ जाए, ठीक है, कोई और बेहतर, ना किसी के ऊपर ट्रस्ट करने का आपका दिल चाह रहा है, ना आप किसी के ऊपर ट्रस्ट कर पा रहे हैं, ओके, बिल्कुल यहाँ पे एक वेटिंग एनर्जी, आप खुद को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में आपको लगता है आपकी लाइफ स्टक है, स्टैग्नेंट है, ठीक है, आप यहाँ पर अपनी लाइफ में कुछ न्यू बिगिन करने का वेट कर रहे हैं, कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू चीजें आने का, जैसे कि शिप्स अराइव होने का आप वेट कर रहे हैं, जैसे कि अंदर आपकी लाइफ में कुछ आ रहा है और आपको इंट्यूटिवली पता है ये चीज आ रही है, ठीक है, स्लो आ रही है लेकिन आपकी तरफ मूव कर रही है, आपकी जिंदगी में किसी तरीके का बैलेंस आ रहा है इस पर्सन के साथ ही, लेकिन वो बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत स्लो प्रोग्रेस कर रहा है, वो बहुत स्लो चल रहा है, ठीक है, आपके पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स में क्या चलता है उसको से देखते हैं, वन कार्ड आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए राइट नाउ क्या है, ये पर्सन राइट नाउ किस फीलिंग्स में है, जब भी आपके बारे में सोचता है क्या चीज इसके माइंड में आती है, किस चीज को बहुत ज्यादा फील करता है ये, ओके, द बर्डन, इसको बर्डन फील होता है, ठीक है, यहाँ पर इस रिश्ते में जो कुछ हो चुका है आपके पर्सन को एक बर्डन फील कराता है, आपके पार्टनर काफी एक स्ट्रेस से गुजरते हैं, और जब भी आपके माइंड में इस पर्सन का थॉट आता है तो आप क्या फील करते हैं इस पर्सन से रिलेटेड, आपके माइंड में क्या चलता है, इस रिश्ते पे काम करना आपके पर्सन को बर्डन सम लगता है, शेयरिंग, आप इस पर्सन के साथ शेयरिंग पे आना चाहते हैं, आप बैठकर चीजों को सॉल्व करना चाहते हैं, आप चाहते हैं ये पर्सन बर्डन रिलीज करे और आपकी तरफ मूवमेंट करे, मतलब कि आपके साथ टॉक करे, डिस्कशन पे आए, ठीक है, यहाँ पर इसको रिस्क टेकिंग करना बर्डन लगता है, इसको अपना कंफर्ट जोन तोड़ना बर्डन लगता है, ठीक है, ये कंफर्ट जोन नहीं ब्रेक कर पा रहा या किसी तरीके की रिस्क टेकिंग नहीं कर पा रहा,
ये जैसे कि अपने डर को हटा नहीं पा रहा, या अपने स्ट्रेस को रिलीज नहीं कर पा रहा जिसके अंदर चल रहा है, ठीक है। ये बर्डन सम रहता है एक एक्शन को लेकर, बहुत ज्यादा मेच्योरिटी है इसके अंदर, मेच्योर पर्सन है, लेकिन आप एक स्ट्रेस रिलीज कर शेयरिंग की तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। आप अभी रेडी हैं, अभी भी रेडी हैं शेयरिंग करने के लिए इस रिश्ते में, ठीक है, बैलेंस बनाने के लिए। आप जब भी इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं तो आपके माइंड में थॉट होता है शेयरिंग पे आना है, बैलेंस पे आना है, अंडरस्टैंडिंग पे आना है, चीजों को फुलफिल करने के लिए आप लोग को एक साथ होना है, ठीक है। अच्छी देखते हैं फ्यूचर के लिए क्या कार्ड लेंगे। फ्यूचर यहाँ पर उसी तरह से देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या एक्शन, क्या मूवमेंट हो सकती है इस रिश्ते में। इन फ्यूचर ये पर्सन आपकी तरफ क्या एक्शन या क्या मूवमेंट कर सकते हैं, आपके पार्टनर का एक्शन क्या रहेगा इस कनेक्शन में। भाई ये पर्सन, इसकी जो आइसोलेशन है ना, ये ब्रेक हो रही है स्लोली बट श्योरली, जैसे कि बर्फ घुलती है, आप रेफ्रिजरेटर से आप अगर आइस को बाहर निकाल के रख दें तो वो घुलना स्टार्ट हो जाती है। तो ये समझेंगे पर्सन एक रेफ्रिजरेटर से बाहर आ चुका है, मतलब कि अपने अपने कोकेन से बाहर आ चुका है, और स्लोली स्लोली ये मेल्ट हो रहा है, ठीक है, स्लोली स्लोली ये घुल रहा है ये इंसान, ओके। और आपकी तरफ से यहाँ पर एक्शंस आपके पार्टनर की तरफ क्या हो सकते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा है आपको लेकर, डे बाय डे बहुत इमोशनल होना, अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज करना, आपकी तरफ से क्या एक्शन हो सकता है इस रिश्ते में, ओके। द क्रिएटर, आप काफी यहाँ पर एक गुरु की तरह वर्क कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा यहाँ पर शेयरिंग पे हैं, आप एक मतलब कि आपकी काफी ब्राइट एनर्जी है, आप एक लाइट हार्टेड पर्सन है, आप एक स्पिरिचुअल सोल है, आप अपने पर्सन से ज्यादा अलाइन है, आप अपने अपने पर्सन से ज्यादा, जैसे कि बहुत कुछ आपको पता है जो शायद नजर नहीं आ रहा, वो चीज आपके अंदर चलती रहती है कि ये चीज होनी है, आपको पता है, आप हीलिंग पे हैं, ठीक है, आप अलोन अपने आप, मतलब कि अलोन हीलिंग करिए आपने अपनी, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, ठीक है, आपकी एक अलोन, आपने खुद की प्रॉब्लम्स को एक अकेले सॉल्व करा है, अपने अंदर एक हार्मनी आपने खुद खुद क्रिएट करी, आपको किसी और की नीड, मतलब कि किसी और की जरूरत नहीं पड़ी इस हार्मनी को अपने अंदर बनाने के लिए, ठीक है। चलें यहाँ पे देखते हैं आपके पर्सन के माइंड में सृष्टि का टाइटल क्या है, ये रिश्ता किस तरफ मूव कर रहा है, आपके पर्सन के माइंड में सृष्टि को लेकर क्या चल रहा है, इस सृष्टि का टाइटल क्या है, ठीक है, आपके पार्टनर इस रिश्ते को किस तरीके से देखते हैं। थिंक अबाउट योर पार्टनर, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इस रिश्ते को किस तरीके से देखते हैं। फोकस ऑन योर सेल्फ वर्थ एंड टाइम टू हील शेडो वर्क, आपने इस पर्सन को शेडो वर्क और एडिक्शन से दूर किया है, ठीक है, आपने इस पर्सन की डार्कनेस को उसको बताया है कि इसके अंदर क्या डार्कनेस है, क्या नेगेटिविटी है, इसके अंदर क्या मिसिंग है, ये आपने बताया है, ठीक है। आप ये पर्सन इस तरीके से देखता है कि आपकी वजह से इसने अपने शेडो साइड को फेस करा है, शेडो मतलब के हील कर पाया अपने आप को अंदर से ये पर्सन, ठीक है। और आपके माइंड में इस कनेक्शन का टाइटल क्या है, आप इस रिश्ते को किस तरीके का टाइटल देते हैं अपने अंदर, सोलमेट, आपको लगता है ये सोलमेट है, सोल कनेक्शन और पार्टनरशिप, ठीक है, एग्रीमेंट एंड सोल कॉन्ट्रैक्ट, आपको लगता है ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है। कुछ भी हो जाए, कितना ही गलत कर ले, कितना ही नेगेटिव बोल ले, कितना ही कैसा भी कर ले, लेकिन आप इससे ऑटोमेटिकली कनेक्टेड रहते हैं, आप आपकी सोल कनेक्टेड है, आपका दिल दिमाग कनेक्टेड है, आप चाहें या ना चाहें आप इस पर्सन से एक खुद को घिरा हुआ फील करते हैं, एक मतलब कि आप और उस पर्सन के बीच एक ऐसा रिश्ता है जो समझ नहीं आता, जो आपको बार बार इस पर्सन की तरफ मेल्ट होने पे मजबूर कर देता है, इसकी गलतियों को माफ करने पे मजबूर कर देता है, ठीक है। आपका दिल कितनी बड़ी गलती कर दिया, कुछ भी कर लिया इसने, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपकी सोल इसको क्रेव करती है, आपकी सोल कनेक्शन है इसको, ठीक है, आपकी सोल इसको पहले से जानती है कहीं ना कहीं, ओके। ये पर्सन अगर आपको कुछ मैसेज कहना चाहे, वन मैसेज, ठीक है, आपके पार्टनर का वन मैसेज, कोई एक बात अगर आपको कहना चाहे राइट नाउ, जो भी आप लोगों की भी सिचुएशन चल रही है, कॉन्सेंट्रेट करें, ठीक है, ये पर्सन अगर आपको कुछ कहना चाहे वो क्या मैसेज देगा, आपके पार्टनर आपको अगर कुछ एक मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहे, वो बात जो ये पर्सन कह नहीं पा रहा वो क्या कहेगा ये पर्सन, वन मैसेज। आपके पर्सन को एक चीज में, मतलब के यहाँ पर एक ऑप्शन की तरह थे तुम्हारी लाइफ में एक ऑप्शन की तरह था, आपके पर्सन ने हमेशा खुद को ऑप्शन समझा, शायद ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इस पर्सन को आप अपने से ज्यादा बेहतर लगते थे, चाहे आपको डिग्रेड करता था या सेल्फ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करता था, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है, चीज क्लैरिफाई करते हैं ये क्यों कहा है, आपके पार्टनर को ऐसा क्यों लगा कि आप एक ऑप्शन की तरह, आपके पर्सन एक ऑप्शन की तरह थे आपकी लाइफ में। बेटर वर्जन योर सेल्फ, ठीक है, बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ये पर्सन आपको ज्यादा अपने मतलब के
इसका सेल्फ हमेशा से आपको ज्यादा वैल्यू देता आया है, ठीक है। आपकी ज्यादा अहमियत, आपकी ज्यादा वैल्यू रही है, चाहे इसने आपके साथ बुरा बिहेव करा, अपनी डार्क साइड के चलते बिहेव करा, मतलब कि आप इसको लेट डाउन करते या आप इसको पहले छोड़ते, इसने आपको छोड़ दिया ये सोचकर कि आपकी लाइफ में बहुत ऑप्शन होंगे, ये पर्सन क्यों ऑप्शन बने आपकी लाइफ का, ठीक है। आपका मतलब कि आपका ऑरा बहुत ब्राइट ऑरा है, बहुत आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह रहे हैं। आप बहुत ज्यादा चाहे मतलब कि कोई भी आपसे कनेक्ट हो सकता है, कोई भी आपके आपका फैन हो सकता है, कोई भी आपके साथ कनेक्ट हो सकता है, ये पर्सन जेमिनाई हो सकता है, ठीक है, ओके। कोई भी आपके साथ एक इन्वॉल्व हो सकता है, आपकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मैग्नेटिक पुल है आपके अंदर, ठीक है। इस पर्सन ने चाहे आपके अंदर कितनी गलतियां निकाली हो, लेकिन ये पर्सन हमेशा से आपको अपने से बेहतर समझता है, और इस पर्सन को ऐसा लगता रहा आपकी लाइफ में ऑप्शन बहुत रहेंगे या बहुत रहे होंगे, आपके पार्टनर क्यों एक ऑप्शन बने, ठीक है। और अगर आप कोई इस पर्सन को मैसेज देना चाहें, आपके दिल दिमाग में कोई एक बात ऐसी चलती हो जो आप इसको जरूर कहना चाहेंगे, वो क्या बात होगी मेरे व्यूवर की तरफ से, ऐसा एक मैसेज जो ये पर्सन अपने आप अपने पर्सन को देना चाह रहे हो दिल से, ठीक है। आई नेवर फेल्ट लाइक दिस बिफोर, आपने इस रिश्ते में जो फील करा या जो इस इंसान के साथ फील करा वो इससे पहले कभी फील नहीं करा। आपका आप जितना कनेक्ट इस इंसान के साथ हो सके, इतना कनेक्शन आपने कभी किसी के साथ फील नहीं करा, चाहे कितना ही डार्क कनेक्शन था, चाहे कितना ही कार्मिक सिनेरियो था, चाहे कितना ही आप डिस्टर्ब थे, लेकिन आपको जो एक सोल बॉन्ड, एक जो सोल कनेक्शन इससे फील हुआ, आपने इससे पहले ये सब चीजें अपनी जिंदगी में कभी फील नहीं की थी। जितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपको इस कनेक्शन से मिली, जितना एक आपको एक पुल आपके सोल को इस कनेक्शन ने दिया, इससे पहले कभी किसी ने नहीं दिया था, ठीक है। और एक और वन लास्ट मैसेज अगर आप इस पर्सन को देना चाहें तुम हमेशा से कंफ्यूज रहे, आपको ऐसा ही लगा कि आपके पर्सन हमेशा से कंफ्यूज हैं, ये पर्सन आपको मिक्स सिग्नल देता रहा, कभी आपको लगा पल में कि आप रिश्ता ठीक होने जा रहा है, और फिर आपको लगा कि इस पर्सन ने ये क्या कर दिया, सडन ब्लॉक कर दिया, सडन आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट हो गई या सडन आप लोग के बीच लड़ाई झगड़े हो गए क्योंकि पर्सन सही से बात नहीं कर रहा, एक ब्लॉक कर दिया इस पर्सन ने, फिर आपको कहीं से ये ब्लॉक कर कर या रिजेक्ट कर कर चला गया। आपके पर्सन इसी चीज पे रहे कि आप इससे बेहतर हैं, आपकी लाइफ अच्छी है, आप एक अच्छा कर रहे हैं अपनी जिंदगी में और आपकी लाइफ में और भी लोग होंगे, ये पर्सन क्यों ऑप्शन बने, ठीक है। इसने अपनी शेडो साइड को इसलिए डील करा क्योंकि आप हेट करते हैं, आप इसको छोड़कर जाते हैं, इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट कोई गवारा नहीं होता, इसने पहले आपको छोड़ दिया, ठीक है। आप इसको रिजेक्ट करते हैं, इसने पहले आपको रिजेक्ट कर दिया, तो आप लोग का रिश्ता कुछ इस तरीके का रहा है, जो आपने समझा वो गलत समझा। इस पर्सन की लाइफ में ऑप्शन नहीं थे, पर्सन डरता था रिजेक्शन से, इसने गार्ड्स इसलिए अप करे, इसको रिजेक्ट नहीं होना था किसी से, शायद इसने पास में रिजेक्शन देखी अपने रिलेशनशिप में, किसी ने इसको इसकी किसी कमी की वजह से लेट डाउन करा है, इसके फाइनेंशियल अनस्टेबल होने की वजह से लेट डाउन करा है, किसी ने इसको मतलब के इसकी लुक्स की वजह से या इसकी लाइफ में कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है जिसको कमतर फील होती रही है, किसी ने इसको लेट डाउन करा, इसने आपको यूं छोड़ा क्योंकि आप बहुत परफेक्ट थे, आपके अंदर एक परफेक्शन थी, आप एक मतलब के ब्यूटी विद ब्रेन का कॉम्बो, आप मेल हैं या फीमेल हैं, एक आप लाइफ का गुरु थे, मतलब के एक टीचर, एक स्पिरिचुअल, एक मतलब के मेंटोर टाइप पर्सन, ठीक है, जो रास्ता दिखा सकता है, जो रोशनी दिखा सकता है, जो सही रास्ते पे चला सकता है किसी को, फिर वो अपनी लाइफ में कितना सही करेगा, हमेशा सही रहना, ये पर्सन इस चीज से भी ट्रिगर हुआ है। आपके अंदर जो एक एबिलिटीज थी, एक ब्यूटी थी, जैसे कि एक मतलब के इंट्यूटिव जो आपको एक लाइट मिलती थी, ठीक है, लोग आपसे बहुत ज्यादा कनेक्ट होते थे, लोग बहुत ज्यादा आपसे इंटरेस्ट बनाते थे, लोग आप में, लोग बहुत जल्दी इंप्रेस करना जानते हैं आप इंसान को, ठीक है, अपनी पर्सनैलिटी, तो ये चीजें इस पर्सन को हमेशा डराती रही हैं, इसके गार्ड्स इसलिए अप रहे हैं, इसने हमेशा खुद को प्रोटेक्ट करा है। आप इसकी लाइफ में इस कदर कनेक्ट ना हो जाए कि इसको एट दी एंड हर्ट होना पड़े, तकलीफ फील करनी पड़े कि आप जब इसको छोड़ के जाए ये बिखर के रह जाएगा, क्योंकि जितना इंटेंस कनेक्शन आपको फील होता रहा है उतना ही इंटेंस आपके पार्टनर को भी फील होता रहा है, लेकिन आपके पार्टनर ने जैसे कि उससे हमेशा डिनाय करा है, हमेशा मना करा है, ठीक है, ये वो वाला कनेक्शन हो सकता है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।